हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में कोई भी बात करना नहीं चाहता, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे तो लोगों को इनकी बीमारी का पता चल जाएगा, पर कि ये असल में कोई बीमारी है नहीं, जिसका नाम है नाइटफॉल। तो हम पहले ये बात करते हैं, नाइटफॉल होता क्या है। जब आप रात को सोते हो तो जो आपका जो माइंड है ना, आपको वेयर ड्रीम्स दिखाता है, क्योंकि उस टाइम आपका आपकी बॉडी पे कोई कंट्रोल नहीं होता, इससे आपकी बॉडी सेमन रिलीज करती है। और जब आप सो के उठ के देखते हो तो आपके निक्कर पे एक बड़ा सा होल होता है, जिससे आपको देख के लगता है कि आपको ये बीमारी हो गई है, पर वो बीमारी है नहीं। पहले बात करते हैं ये होता क्यों है। जब आपकी जो टीनेज होती है, मतलब कि मोस्टली केसेस में देखा जाता है, जो आपकी उम्र होती है 9 से लेकर 19 साल के बीच में, तो जो आपकी जो बॉडी है ना, वो हार्मोन रिलीज करती है। और हार्मोन रिलीज होने का मतलब है कि जो भी आप पूरे दिन में एक्टिविटी करते हो, जो भी उल्टी सीधे चीज़ें रात को देखते हो, तो उन चीज़ों को देखने के बाद ना अंदर से उत्तेजना से पैदा हो जाती है, मतलब कि उन चीज़ों को पाने की इच्छा से हो जाती है। और जब वो चीज़ आपको मिलती नहीं है तो सपने में वो चीज़ आती है, तो जब आप सुबह उठ के देखते हो तो ले भाई निकल गया, ठीक है। तो ये होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये टीनेज के टाइम में ये चीज़ होती है, नेचुरली है। और बहुत लोगों को लगता है कि बीमारी, तो भाई मैं आपकी कंफ्यूजन दूर कर दूं, तो भाई ये कोई बीमारी नहीं है, ये होना ज़रूरी है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है नाइटफॉल होने का, ठीक है। तो जिन भाइयों को लगता है कि ये कोई बीमारी, तो मैं बता दूं ये बिल्कुल कोई बीमारी नहीं है। तो गाइस, अब हम बात करते हैं, अगर आपको नाइटफॉल हो रहा है तो इसे रोके कैसे। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप अपने माइंड को एकदम फ्री रहने दो, मतलब कि किसी चीज़ को पाने के उत्तेजना मत रखो कि हमें ये चीज़ नहीं मिलेगी तो हम ये कर लेंगे, हमें ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, ठीक है। अपने माइंड पे मतलब कि किसी चीज़ को पाने की उत्तेजना मत रखो। और दूसरा पॉइंट ये है कि ज़्यादातर केसेस में लोगों को इस चीज़ का पता नहीं है कि उन्हें सोना कैसे, क्योंकि उन्हें नाइटफॉल भी हो रहा होता है फिर भी वो उल्टा ही सोते हैं। तो आपको उल्टे साइड से नहीं सोना, आपको बैक के साइड से सोना। अगर गाइस आपको हद से ज़्यादा नाइटफॉल हो रहा है तो आप बैक साइड से सोइए, गारंटी से आपको नाइटफॉल नहीं होगा। तीसरा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गाइज, आप जितना हो सके सेक्सुअली कंटेंट से दूर रहें, क्योंकि मोस्टली केसेस में देखा जाता है टीनेज में, जब आप ये चीज़ देखते हो, उल्टी सी चीज़ देखते हो, तो आपके आपकी जो उत्तेजना जो होती है किसी चीज़ को पाने की, वो बहुत बढ़ जाती है। उत्तेजना कभी रियलिटी में तो बदलेगी नहीं, तो जितना हो सके आप इन चीज़ों को अवॉइड करो, सेक्सुअली कंटेंट से दूर रहो। और जितना हो सके भाई, अगर आपने ऐसा कोई पेज भी फॉलो करा हुआ तो अनफॉलो कर दो, मैं आपको सजेशन देता हूँ, नहीं तो आपकी बॉडी भी खराब होगी, साथ में आपका माइंड भी खराब होगा। तो जितना हो सके इन चीज़ों से दूर रहो। तो गाइस, लास्ट टिप्स जो मेरी है, जिन भाइयों को ज़्यादा नाइटफॉल हो रहा है तो वो इसे कैसे रोके, तो मैं आपके सामने आज दो चीज़ बताना चाहूँगा। अगर आपको ज़्यादा नाइटफॉल हो रहा है तो आप कुछ ना करें, दो चीज़ लेनी है आपको, आपको वार्म मिल्क लेना और बादाम लेना है बिफोर बेड, ठीक है, सोने से पहले आपको लेना है। और ये दो चीज़ क्यों लेनी है, बादाम, बादाम में क्या होता है, बादाम में पोटेशियम और मैग्नीज होता है, मैग्नीज, ठीक है। उससे क्या है, बादाम खाने से जो आपका जो माइंड है ना, वो एकदम फ्री हो जाता है, एकदम से भारी नहीं रहता। उससे क्या है, फिर आपके आप जब सोओगे तो अच्छे से नींद भी आएगी और आपका सेमन रिलीज भी नहीं होगा। और आपको इसे खाना कैसे है, तो आप 20 बादाम लेकर सुबह पानी में फुला देना, फिर शाम तक जब देखना उसके जो छिक्कल होंगे ना, बादाम के ऊपर के छिक्कल हटा देना। छिक्कल हटाने के बाद सोने से 30 मिनट पहले आपको 20 बादाम खा के सोना है। मैं गारंटी देता हूँ, जिन भाइयों को नाइटफॉल होता है रेगुलर और जो बहुत परेशान है, वो ये दो चीज़ें, मतलब कि दूध के साथ बादाम खाओ सोने से पहले, मैं गारंटी देता हूँ भाई, आपकी गारंटी से नाइटफॉल रुक जाएगा। तो गाइज, आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।